दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत में कार का सपना देखने वाले उन तमाम लोगों के लिए भारतीय कार बाजार एक खुशखबरी लेकर आया है। टाटा नैनो की कार तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, जिसने हर तमाम उन लोगों के सपने को पूरा किया जिसने अपने पास कार होने का सपना देखा होगा। भारत में सस्ती और बेहतरीन माइलेज वाली टाटा नैनो कार के बाद अब बजाज कंपनी भी जल्द ही अपनी छोटी और सस्ती कार को भारतीय बाजार में पेश करने की योजना बना रही है। बजाज अपनी इस कार को क्विट के नाम से पेश करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि क्विट को पिछले कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया, जिसके बाद से ही इसे भारत में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि सुरक्षा से जुड़े सवालों को चलते भारत में छोटी कार लॉन्च करने को लेकर तमाम तरह की परेशानियां झेलने के बाद कंपनी अब पूरी तरह से तैयार है। बताया जा रहा है कि बजाज अपनी इस छोटी सी कार को इस साल के अंत तक लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत काफी कम बताई जा रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कार के डिजाइन, इंजन और फीचर्स के बारे में, जिसे जानने के लिए आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। खबरों के मुताबिक कार में इतना स्पेस दिया जाएगा कि चार लोग आसानी से और आरामदायक रूप में बैठ सकें। कार के डिजाइन पर नजर डालें तो इसका डिजाइन बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। कार की चौड़ाई 1312 mm और लंबाई 2752 mm, हाइट 652 mm रखी गई है। फीचर पर नजर डालें तो साथ ही कार में AC, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो के साथ बाजार में उतारने की तैयारी में है। दोस्तों, इंजन की बात करें तो जानकारी के मुताबिक कंपनी इस कार में 216 cc का सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन शामिल करेगी, जो कि 5-speed गियरबॉक्स के साथ लैस किया जाएगा। कार की रफ्तार की बात करें तो यह अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। दोस्तों, कंपनी इस कार की कीमत 60,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक रख सकती है। दोस्तों, वहीं इसका माइलेज 32 किलोमीटर प्रति लीटर का होगा। भारत में इस कार के 6 कलर उपलब्ध हो गए। तो दोस्तों, अब इंतजार इस बात का है कि कंपनी इस कार को कब लॉन्च करती है और इसकी क्या परफॉर्मेंस मार्केट में नजर आती है। इस वीडियो में इतना ही, और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।